जी दोस्तों, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं वो तो समझ रहे हैं कि ये क्या बनाया, कैसे बना है, और जिन्हें थोड़ी मुश्किल है उन्हें बताता चलो। ये चार चार फेरे ऊपर है और चार नीचे से उठाए हैं, उसके बाद दूसरी लहर शुरू हो गई है। सिंपल चारपाई में ये ऐसे लहरें ही होती हैं, इसको थोड़ा चेंज किया है, यहाँ से लहर को बॉक्स बना के सेंटर में डब्बी बनाई है। यहाँ ये बॉक्स और डब्बी का सेंटर हुआ है, उसके एक फेरे के बाद दूसरे फेरे में इधर सात उठाए और आगे दूसरा लहर शुरू किया जिसके अंदर फिर डब्बी है। जब दूसरे बॉक्स की डब्बी पूरी हुई है तो इधर अगले फेरे में दोनों तरफ दो फेरे का इजाफा करके सेंटर में फिर लहर बॉक्स शुरू किया। जब यहाँ पे सेंटर हुआ है तो इस सेंटर के बाद आगे फिर बॉक्स बनाना था, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से दो डब्बियाँ और पॉपेट बनाया। उसके बाद जब लगा के मुनासिब स्पेस बचिए बॉक्स के लिए तो वो बॉक्स एंड पे बना। और ये एक चीज़ और कि जहाँ पे आपको ये तीन की अंदर तीन का स्पेस है ना, ये लहर चार की है, ये लहर भी चार की है, डब्बी तीन की है, तो अगर आप ऐसे चार तीन का चला सकते हैं तो बेहतर, नहीं तो सिर्फ तीन और तीन रखें। और जहाँ पे तीन कम हो के एक बचता हो तो समझ जाए आपका डिज़ाइन गलत हो गया, और जहाँ पे तीन की बजाय पांच बचते हो तब भी गलत है। अगर तीन पे चला रहे हैं तो तीन ही होना चाहिए, तब आपका डिज़ाइन परफेक्ट होगा, पूरा होगा। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं बॉक्स बनाता तो वो नहीं बन सकता था, डिज़ाइन में फ़र्क आता जो अच्छा नहीं लगता, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, अपना भी दिल मुतमिन नहीं होता। जहाँ पे भी तीन तीन से कम हो तो समझ जाना कि डिज़ाइन में फ़र्क आ गया, गलत हो गया। तीन की लहर है तो तीन ही होना चाहिए एंड में, लास्ट में। अगर चार की लहर है तो चार होना चाहिए। ये है थोड़ा एहतियात। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।